नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर नागपुर की ओर से जीएसटी के विरोध में किया जा रहा निषेध, शहर में चलाया जा रहा हर चौक पर आंदोलन अभियान। नागपुर में एसएफएस कॉलेज के छात्र ने चौथे माले से कूदकर की खुदकुशी, कूदने से पहले छात्र ने पिया था पेट्रोल। और देवेंद्र फडणवीस ने दी बावन कुले की प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया, कहा बावन कुले है एक सच्चे कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की पथभ्रष्ट आर्थिक नीतियों ने मुद्रास्फीति के एक चक्र को जन्म दिया। खाद्य पदार्थों और स्कूली शिक्षा सामग्री पर अमानवीय रूप से जीएसटी लगाया गया और राष्ट्रीय मुद्रा को विरूपित किया गया। इसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर नागपुर मंडल के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल की अध्यक्षता में हर चौक पर आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। तदनुसार 12 अगस्त 2022 को राजेश रामटेके, धामदीप लोखंडे, वंदना पेटकर, डीडी बंसोड़ और इरशाद खान की पहल पर ऑटोमोटिव जो कामठी रोड नागपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की गलत नीतियों का आम लोगों पर क्या असर होता है, इसके बारे में डीडी बंसोड़, गणवीर वानखेड़े, आदेश रंगारी, आनंद लांजेवार, विनय राम, आशुतोष रहाटे ने लोगों का मार्गदर्शन किया और सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की। कार्यक्रम का संचालन नगर सचिव रुपेंद्र खांडेकर ने किया। आंदोलन में उत्तर नागपुर वार्ड स्तर से लेकर नागपुर नगर कार्यकारिणी तक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें पहल करने वाले नलिनी खांडेकर, बेबी नंदा पाटिल, रजनी चौहान, विनीत मेश्राम, सुमित चौहान, लक्ष्मण बागड़े, सुनीता सहारा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाईस को दिग्रस तालुका के निम्भा में मल्हारी मातंड जागरूक देवस्थान में एक बाल विवाह हुआ। बाल विवाह में संस्थान के अध्यक्ष हिम्मत राव गाड़े, सदस्य बमन खांडू पवार और पुजारी मधुकर खानजोड़े शामिल हुए, लेकिन संस्थान के महंतों और किसी अन्य सदस्य को विश्वास में लिए बिना इन तीनों ने बिना कोई बात पूछे इस बाल विवाह के लिए परस्पर सहमति दे दी है। 6 अगस्त 2022 को मांग की गई थी कि निम्भा के मल्हारी मातंड देवस्थान में हो रहे बाल विवाह की उचित जाँच कर कार्रवाई की जाए। नाबालिग लड़की दारवा में रहने वाली है और उसकी वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। सरकारी नियमों के मुताबिक कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना अपराध है, लेकिन उक्त नियम का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से ये विवाह कराया गया। नाबालिग लड़का देवनगर दिग्रस का रहने वाला है और लड़का 19 साल का है। सवाल उठता है कि जब लड़का और लड़की नाबालिग थे तो ये शादी कैसे तय की गई। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए थाना व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को बयान देकर दिग्रस पुलिस से अनुरोध किया गया है। बयान में कहा गया है कि बाल विवाह लड़की और लड़के के साक्ष्य के सत्यापन के बिना किया गया था। जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ साथ दो हाथ करने पर कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती है, लेकिन अगर असफलता से पैदा हुए अवसाद से उबरने में एक पल की भी देरी होती है तो परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्या शुक्रवार को नागपुर के एसएफएस कॉलेज में हुआ। बीसी से द्वितीय वर्ष का छात्र शिवम कटरे परीक्षा समाप्त करते ही कक्षा के बाहर की गैलरी से कूद गया। मौजूद लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कूदने से पहले उसने पेट्रोल भी पी लिया था। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे की है। शिवम नीचे जमीन पर गिरने के बाद 15 मिनट तक वहीं पड़ा रहा और उसके दोस्त पूछ रहे थे कि क्या किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार है या नहीं। बाद में छात्रों और कुछ शिक्षकों ने शिवम को मनकापुर के एलेक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया। शिवम ने दोपहर 3 बजे तक अपने परिवार से बात की। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि उस समय उन्होंने अपने पिता से आखिरी शब्द कहे थे, पापा मुझे माफ करो, आपने मेरे लिए बहुत किया है, अब मुझे जीना नहीं है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र और समाज सेवी अस्पताल में जमा हुए। इसके बाद खबर है कि शाम करीब 7:30 बजे कॉलेज के प्राचार्य आए। छात्रों और नागरिकों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि प्राचार्य ने अपने कॉलेज में घटना होने के बावजूद अस्पताल पहुंचने में देरी की। मिली जानकारी के अनुसार लड़की के पिता बिजली की फिटिंग का काम करते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और छात्र के खास दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी।
और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभात अग्रवाल ने जवाब दिया कि अगर घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज मिलता तो छात्र की जान बचाई जा सकती थी। उमरखेड़ तालुका में पोफली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले आड़द में चरित्र के शक में पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 राजेश असमर की अदालत ने गुरुवार को कठोर आजीवन कारावास सुनाया और जुर्माना लगाया है। आरोपी ने पत्नी पर शक करके उसे मौत के घाट उतारा था, फिर उसका शव जलाकर सारे सबूत मिटाने के प्रयत्न करके पत्नी को करंट लगने की वजह से उसकी मौत होने की झूठी कहानी रची थी। दोषी करार दिए गए आरोपी का नाम पांडुरंग कबाले बताया जा रहा है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गवाह की गवाही और डॉक्टर प्रीति जायसवाल चिकित्सा अधिकारी उमरखेड़ की गवाही आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस मामले में एडवोकेट रवि रूपरकर ने मामले की पैरवी की, जबकि कोर्ट मुहरार जमादार राहुल मार्कंडे ने कामकाज संभाला। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस के नागपुर पहुंचने पर विमानतल पर पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर फडणवीस ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बावनकुले एक सच्चे कार्यकर्ता है जिन्हें वक्त वक्त पर विविध जिम्मेदारियां पार्टी ने दी और उन्होंने उसका सही मायनों में निर्वहन किया है। चंद्रशेखर बावनकुले है लहानपणापासून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत आणि एक लहान कार्यकर्ता म्हणून सुरुवात केल्यानंतर जिल्हा परिषद असेल, विरोधी पक्षनेते पदी असतील, आमदार असतील, मंत्री असतील, अशा वेगवेगळ्या पदांवर त्यांनी काम केलं। ज्या ज्यावेळी पक्षाने जी जबाबदारी सांगितली ती उत्तम पार पाडली आणि विशेषतः राज्याचे ऊर्जा मंत्री म्हणून देखील अतिशय मोठा इम्पॅक्ट त्यांच्या कामाचा आपल्याला पाहायला मिळाला आणि या सगळ्या त्यांच्या कामाचा जो आवाक आहे, गेले काही दिवस त्यांच्याकडे प्रदेश महामंत्री म्हणून जबाबदारी होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने फिरून पक्षाची बांधणी त्यांनी केली आणि हा सगळा आवाका पाहता आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी, अध्यक्षांनी आणि सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी हा निर्णय केला आणि मला अतिशय आनंद आहे, कारण चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारखा एक पक्षाचा अतिशय कट्टर सैनिक आज अध्यक्ष झाल्यामुळे निश्चित भारतीय जनता पार्टी अजून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये वाढेल, आमची पाळमुळं अजून घट्ट होतील आणि अतिशय चांगलं नेतृत्व चंद्रशेखर बावनकुळे देतील याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका नाही। असं आहे की ओबीसींच्या प्रश्नावर सातत्याने चंद्रशेखर बावनकुळे लढले आणि विशेषतः ज्यावेळी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं
ते परत मिळवण्याकरता अगदी प्रयत्नांची शर्थ त्यांनी केली, त्यामुळे निश्चितच ओबीसी समाजाचा चेहरा तर चंद्रशेखर बावनकुळे आहेतच. आणि हे थोडंच खरं आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये आमच्याकरता सगळेच भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विदर्भात आमची शक्ती जास्त आहे, पण आता असा कुठला भाग राहिला महाराष्ट्रातला? आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात मोठा पक्ष आहोत, आम्ही मुंबईमध्ये मोठा पक्ष आहोत, आम्ही मराठवाड्यात मोठा पक्ष आहोत, आम्ही उत्तर महाराष्ट्रात मोठा पक्ष आहोत, आम्ही कोकणातही मोठा पक्ष आहोत. यवतमाल के वनी तालुका के राजूर कॉलरी में नौशाद मुख्तार अहमद के घर के सामने एक ऑटो रिक्शा में जादू टोना की हुई गुड़िया और नींबू रखकर डर फैलाने की कोशिश करने का मामला सामने आने के बाद से खासा हड़कंप मच गया है. इस बीच नौशाद मुख्तार ने मांग की है कि इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अंधविश्वास विरोधी एवं जादू टोना अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए. उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन पुलिस ने देर तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था. एक व्यक्ति ने विवाद के चलते अपने ही दो दोस्तों को चाकू से हमला कर गंभीर जख्मी करने का मामला सामने आया है. जख्मी युवकों ने मानकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जाँच कर रही है. फिरियादी 21 वर्षीय कुणाल नीरज रामटेके अपने दोस्त वरुण ग्रोकर के साथ गोरेवाड़ा स्थित एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे. तभी उनका तीसरा दोस्त व आरोपी प्रज्वल दिलीप सोनूले वहां आया. उसने फिरियादी के दोस्त वरुण के साथ बहस करना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसे अगर मेरे बारे में किसी से कुछ कहा तो तुझे जान से मार दूंगा ऐसी धमकी देकर उसे पेट, छाती और सिर पर चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया. फिरियादी कुणाल विवाद छुड़ाने की कोशिश में उनके पास गया, तब आरोपी ने उसके भी हाथ और सिर पर चाकू से वार कर उसे भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. आरोपी के खिलाफ मानकापुर पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया गया है, पुलिस जांच कर रही है. फिरियादी आहेत कुणाल नीरज रामटेके व 21 वर्ष राहणार झिंगाबाई टाकळी जुनी वस्ती प्राथमिक शाळेजवळ. हे आपले मित्र वरुण ग्रोकर याच्यासोबत गोरेवाडाजवळील पान ठेला चहाच्या टपरीवर चहा पीत थांबले असता तिथे त्यांचाच मित्र यातील आरोपी प्रज्वल दिलीप सोनूले राहणार उत्थान नगर गोरेवाडा हा तिथे आला व फिरियादीचा मित्र वरुण यास म्हणाला की तू मेरे बारे में किसी के पास कुछ बोला मत कर असं म्हणून त्याला असली शिवगाळ केली व इसके बाद तू किसी के पास मेरे बारे में बोलेगा तो तुझे जान से मार डालूंगा असे म्हणून स्वतःजवळ चाकूने त्याचे पोटावर, छातीवर व डोक्यावर वार केला. यातील फिरियादी हे भांडण सोडण्यासाठी गेला असता यातील आरोपीने त्याचे सुद्धा हातावर आणि डोक्यावर मारून गंभीर जखमी केले. यावरून पोलीस स्टेशन मानकापूर येथे अपराध क्रमांक 196/2022 column 307 294 भादवी अन्वय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीस ताब्यात घेऊन अटक करून PCR घेऊन पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवत आहोत. यातील फिर्यादी हे जिम ट्रेनरचे काम करतात, तसेच आरोपी सुद्धा जिम ट्रेनरचेच काम करतो. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़. नमस्कार.